हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं आया हूँ JCR होटल के सामने और मेरी नज़र पड़ी एक छोटी सी दुकान के ऊपर, जिस दुकान का ना तो कोई नाम है और वहाँ भी सामने छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। और चारों तक का व्यू भी दिखाता हूँ, कितना सुंदर है, घोड़े घास चल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। दीदी नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम स्वाति थापा है। स्वाति थापा, आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर। हम लोग वेज नॉन वेज मोमोज बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं और सफाले बनाते हैं। सफाले भी बनाते हैं, सेल रोटी भुटवा बनाते हैं। अच्छा, भुटवा भी बनाते हैं। इस टाइम इसके अंदर क्या बन रहा है आपका। नॉन वेज मोमोज। नॉन वेज मोमोज, ढक्कन खोल के दिखाओ। दोस्तों, इस दुकान में इतने बढ़िया मोमो तैयार हो रहे हैं, गर्मा गर्म मोमो इधर हाथों हाथ बन रहे हैं और हाथों हाथ खिलाते हो फ्रेश बिल्कुल। जी, ऐसी सुंदर वादियों के अंदर अगर मोमो खाने का अलग ही मजा है। हाँ जी दीदी नमस्कार। नमस्कार, आपका मेन काम क्या है। ये मोमो बना रहे हैं। मोमो बना रहे हैं। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम संजना हले है। संजना जी आप क्या कर रही हैं, पहले तो ये बताओ। तवे में मोमो बना रहे हैं, मोमो बेल रहे हैं। अच्छा, ये मोमो की रोटी बना रही हैं, मतलब क्या बोलेंगे इसको। इसको स्किन मतलब लेयर। अच्छा, जरा एक बेल के दिखाइए मेरे को आप। दोस्तों, एक सिंपल सी दुकान इतना बढ़िया रौनक लगा रही है यहाँ पर। अच्छा, और आपका काम है रोटी बेलना और ये भाई साहब का काम है इसके अंदर फिलिंग भरना। आप एक भाई साहब फिलिंग भर के दिखाइए आप मेरे को। आप भर के दिखाइए एक बार। ये मटेरियल है मोमो का। आपका नाम क्या है। मेरा नाम दुर्गा गले है। दुर्गा जी, अच्छा, आप पूरे परिवार है आपका ये सारा। जी, हमारा एक ही परिवार है ये। अच्छा, मिल बांट के सब काम करते हो आप। बांट के करते हैं। अच्छा, ये दीदी कह रही हैं इस दुकान को हम संडे के संडे खोलते हैं, कि इस दुकान का नाम क्या है। संडे संडे स्टॉप कर रखेंगे। क्या रखेंगे। अच्छा अच्छा, एक बार ये इसमें क्या क्या बना डाल रखा है आपने। नॉन वेज है। अच्छा, ये नॉन वेज मोमो तैयार कर रहे हैं। चिकन का वो है। चिकन के मोमो बना रहे हैं आप। चिकन के मोमो। अच्छा, वेज भी बनाते हैं आप। हाँ, वेज भी बनाते हैं। अच्छा, वेज में हमारा नॉन सेल रोटी भी है, गोरखाली चटनी, सेल रोटी, गोरखाली चटनी भी है। गोरखाली है तो हम अपना गोरखाली डिश तो रखेंगे। गोरखाली डिश इधर है, दिखा दो। मैं सब देखता हूँ अभी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। मैडम, सबसे पहले और मुझे बताओ, और आपके पास वैरायटी क्या क्या है। ये सेल रोटी है। ये सेल रोटी है। और ये चावल के आटे की बनती है। ये चावल के आटे की बनी है। अच्छा, ये मीठी होती है, नमकीन होती है। मीठी होती है, इसको तीखी चटनी के साथ या भुटवा होता है ना, वो चटपटा भुटवा, उसके साथ खाया जाता है। दोस्तों, ये है। अच्छा, चटनी दिखाइए आप मेरे को। ये भुटवा है। अच्छा, ये भुटवा है जी। और चटनी कौन सी है। ये दीदी दिखा रही है चटनी। चटनी तो अक्सर हमने लिक्विड देखी थी और आज में ये सूखी सूखी चटनी। आप इसको चटनी कैसे बोलते हो आप। ये आलू की चटनी है, हम अचार भी कहा जाता है, बट ये हम लोग में गोरखाली में जो होता है इसे चटनी ही कहा जाता है। अच्छा, एक बार ढक्कन दिखाओ। अच्छा, इसके अंदर है क्या क्या ये बताओ। इसमें तिल है, आलू है, प्याज है। अच्छा, और इसमें मेथी दाने का तड़का दिया जाता है। मेथी दाने का तड़का दिया जाता है। बॉइल्ड आलू है ये। अच्छा, और वैरायटी क्या है आपके पास। और हमारे पास पानी पूरी है, ये भी हम घर पे बनाते हैं। अच्छा, ये आपने रेट लिखे हुए हैं जी। दोस्तों, इस छोटी सी दुकान के अंदर इतने बढ़िया रेट डले हुए हैं इसके अंदर। वेज मोमो 50 रुपये फुल प्लेट जी। नॉन वेज मोमो 80 रुपये, सफाले 50 रुपये। सेल रोटी क्या होती है जी आपकी। सेल रोटी यही दिखाई। अच्छा, इसी को सेल रोटी कहते हैं जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। और आप और क्या बेच रहे हैं यहाँ पर। और इसमें हम लोग पानी पूरी चटपट बना रहे हैं, भेल पूरी टाइप की, उसमें वाई वाई वगैरह डलता है। वाई वाई डलता है। मैडम, आप मेरे लिए क्या, कौन सी रोटी बोलते हैं आप इसको। ये सेल रोटी है। सेल रोटी, एक मेरे लिए सेल रोटी लगाइए और इसको खा करके मैं दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये क्या रखी आपने। अच्छा, ये हाँ प्लेट में जोड़। और ये है गोरखाली चटनी। गोरखाली चटनी आलू की। अच्छा, इसी के साथ खाई जाती है। ठीक है, इसको भुटवे के साथ भी खाते हैं, जब जो वेज वाले हैं वो इसको खाते। ठीक है ठीक है, मैं इसको खा के इसको दिखाता हूँ। हाँ, मुझे देना। दोस्तों, ये मेरे लिए आ गया सेल रोटी और इसको मैं
चटनी के साथ खाता हूँ और इसको चटनी बोलते हैं ये। दोस्तों मैं खा रहा हूँ सेल रोटी और इसको खा के दिखाता हूँ। ये आलू की सब्जी की चटनी बता रहे हैं इसको। दोस्तों ऐसे व्यू में अगर ऐसी रोटी मिल जाए, सेल रोटी और इसके साथ ये सब्जी मिल जाए, जरूर इसको ये चटनी बोलते हैं। हम लोग इसको आलू की सब्जी बोलते हैं और ऐसे व्यू में खाने का मजा ही अलग है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए मेरे को। मेरा नाम सूर्य और श्री सुमागर है। अरे वाह जी वाह। और आप क्या खाने आए हैं यहाँ पर? सेल रोटी भुटो खाने आए। अच्छा, ये आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है? ये बढ़िया है। हमारे नेपालियों में ये कोई भी चाड़ पर्व हर उसमें ये चलता है। और आप अक्सर खाते हो यहाँ पर? यहाँ हर संडे खाते हूँ। हर संडे। दोस्तों ये शॉप मुझे ऐसी एक लगी बढ़िया, ये हर संडे खुलती है और संडे के संडे आप लोग यहाँ आए जीएसपी और होटल के सामने। अगर मेरा ये चैनल पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। और आप यहाँ पर क्या खा रहे हैं सर? हम सेल रोटी और चटनी और भुटवा खा रहे हैं। अच्छा, और कैसा टेस्ट इसका? बहुत बढ़िया है। एक बार खा के दिखाइए जो दर्शक देख रहे हैं आपको। जी जरूर लीजिए। कैसा टेस्ट है? सॉलिड सॉलिड। ये मतलब नेपालियों का कल्चर है, मतलब मेन ये ट्रेडिशनल फूड है। अच्छा, ये कभी रोज खाया जाता है कि किसी त्योहार वाले दिन खाया जाता है? नहीं, इसे ऑकेशन में खाया जाता है। अच्छा, ये रोज नहीं बनता। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बताया। वेलकम। अब मेरे लिए मोमो वेज तैयार हो गए हैं। मैं हाफ प्लेट खा रहा हूँ, ज्यादा मैं खा नहीं सकता। ये कौन सी चटनी खिला रहे हो आप? ये है वो मतलब पीनट की है। ये पीनट की चटनी, ये भी नेपाली चटनी है? अच्छा, हम नेपाली हैं तो हम नेपाली चटनी बोलेंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। दोस्तों मेरे लिए वेज मोमो आ गए हैं और खूब डिजाइनदार मोमो है और पतले मैदे के हैं ये। उसको खा के इसका टेस्ट आप तक पहुंचाता हूँ। इसका टेस्ट है कैसा? गर्मा गर्मा मोमो है, बहुत टेस्टी। आप लोग भी हर संडे यहाँ पर आएं और यहाँ के मोमो खाएं और यहाँ की वो सेम रोटी खाएं। और भी बहुत वैरायटी इनकी दुकान पे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। दीदी और भाई साहब ये क्या बना रहे हो आप, ये बताओ? ये वाई वाई बन रहा है भाई। ये वाई वाई। अच्छा, ये क्या क्या डाला आपने इसके अंदर? इसमें प्याज है, चिल्ली है, टमाटर है और मसाला आएगा इसमें और सब डाल के बना। अच्छा, देखते हैं आप कैसे बना रहे हैं इसको। अब ये इसका मसाला डल गया। दोस्तों काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला तैयार हो रहा है। अब क्या डालेगा? वाई वाई। अब वाई वाई डालेगा। डालिए वाई वाई डालिए आप, थोड़ा मसाला हो गया। अच्छा अच्छा, दोस्तों वाई वाई डल चुका है। अच्छा, दो पैकेट डल रहे हैं? दो पैकेट। दो प्लेट है ना? हाँ। दोस्तों वाई वाई तैयार हो गई है, खुशबू आ रही है। समझ नहीं आ रहा दुकान में क्या खाएं ना क्या खाएं, बहुत वैरायटी इनकी दुकान में। जी नमस्कार। एक चीज बताओ, जो पब्लिक आपको देख रही है और उन्हें कुछ कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप लोग इधर आए, जेएसआर के सामने आए और हमारे स्टॉल में आए, संडे को, एवरी संडे लगाते हैं हम लोग,
मॉर्निंग में 11 o'clock से इवनिंग में हम लोग 6 p.m. तक रहते हैं। और आइए ट्राई कीजिए, मोमोज हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज हैं और अच्छा लगेगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे दीदी? यही कहना चाहेंगे कि जो माय टीम चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद जी आपका। मैडम नमस्कार, ये बताइए आप क्या खाने आई हो यहाँ पर? हम यहाँ पे वाई वाई और नॉन वेज मोमो खाने आए हैं। नॉन वेज मोमो खाने आए हो इन, और इस दुकान का टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा है मोमोज का, नॉन वेज का, और हम लोग वाई वाई का वेट कर रहे हैं। आप भी हर संडे आती हो यहाँ पर? नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। आपका फर्स्ट टाइम है, कैसा लगा इनका टेस्ट? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर शूटिंग ख़त्म करी, मेरी नज़र सामने ग्राउंड में गई। ये सामने हॉर्स खड़े हुए हैं और व्यू इतना बढ़िया है, और सामने एक छोटा सा मेला लगा हुआ है। ये जाकर के देखते हैं कि मेला अधूरा है, आज ही आज लगा है कि कल है मेला। पूरी दुकानें लगनी रखी हैं, कुछ दुकानें लगी हुई हैं, देखते हैं यहाँ का मेला कैसा है। और बारिश के कारण बड़ी बड़ी दूर आना पड़ता है बारिश में भी हमारे को। और यहाँ पर बोर्ड पढ़ के दिखाता हूँ कि सामने किस चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है। सामने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जैसे में मैंने मेले के अंदर एंट्री करी, यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, प्लास्टिक के मग्गे। ये दीदी आपने लगाई है दुकानें? हाँ जी, मैंने लगाई। ये खाली मेले में लगाते हैं कि? अरे ये हम लगाते हैं, मतलब हर संडे लगाते हैं। हर संडे? अच्छा, यहाँ पर हर संडे दुकान लगाएंगे? हाँ, लगा। ये मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और इस तरह महिलाएं घरों से बाहर निकलेंगी और फालतू की बातें छोड़ेंगी और अपना काम करेंगी। तो कैसा बिजनेस अभी? सर अभी अच्छा चल रहा है हमारा, अभी अभी 2 मंथ हो गए हैं। 2 मंथ हो गए हैं। संडे के संडे लोग आते हैं? हाँ जी, हर संडे लगाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे गांव के लोग। आपका नाम क्या है? अंधी थापा, सांधी थापा है। और इस जगह का नाम क्या है? ये इंदिरा नगर बंकर है, गजवाड़ी। गजवाड़ी, थैंक यू, वेलकम सर। दोस्तों जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक सिस्टर बैठी है सामने और ये ऊन की स्वेटर बुन रही हैं। आज कल आप बैठे रहो बेटे, और आज के युग में ऐसी महिलाएं बहुत कम मिलती हैं जो अपने हाथ से काम करती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि आजकल की औरतों को एक बटन लगाते भी तकलीफ होती है, वो भी कहती हैं जाकर के टेलर से लगवा लो। पुरानी फिल्में मैं देखा करता था, उसमें बताते थे कि हीरो का बटन टूटता था, हीरोइन उसी टाइम टांग दिया करती थी, और आजकल तो ये रिवाज ही ख़त्म हो गया है। ये किसके लिए स्वेटर बना रही हैं आप? मेरी लड़की के लिए। लड़की के लिए? इसका शुभ नाम क्या है? ये आपकी बेटी है? क्या नाम है बेटे आपका? जोर से बोलिए। कंचन ताई। आपकी मम्मी ने यहाँ पर शो कंचन शाही आप बताइए कंचन शाही। अच्छा बेटे, आपकी मम्मी ने यहाँ शॉप लगा रखी है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा, अच्छा लगता है। आप भी हर संडे आती हैं? हाँ जी, कभी कभी आती है, कभी कभी आती है। धन्यवाद जी। दोस्तों जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक मैडम अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, और दूसरी मैडम उनके मेहंदी लगा रही हैं। मैडम नमस्कार। हाँ, आप मेहंदी लगवा रहे हो, हर संडे आते हो कि? नहीं नहीं, हमारे टीच का प्रोग्राम है कल और हमारे टीच का बर्थ है। अच्छा, मैं यहाँ पे दुकान लगाती हूँ, ग्रोसरी दाल वगैरह लगाती हूँ। ये अच्छा, आपने ये दालें वगैरह लगा रखी हैं सारी यहाँ पर? अच्छा, हमारा प्रोग्राम है, तीज है हमारा कल। अच्छा, कल तीज है, कल तीज है। अच्छा, जो मैडम मेहंदी लगा रही है, मैं उनसे एक मिनट बात करना चाहूँगा। मैडम नमस्कार, आपका पहले तो शुभ नाम बताइए। आयशा थापा। एक बात बताओ, जो आपने अपना हाथ दिखाइए, इतनी ओवल ओवल हाथ दिखाइए, जो इतनी, दोस्तों इतनी सुंदर मेहंदी लगा रही है ये छोटी सी मैडम, और आप ये शौक के लिए करती हैं? हाँ जी, मतलब कोई लगवाना चाहे लगवा भी सकता आपसे मेहंदी? शादियों का भी ऑर्डर पकड़ती हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी हॉबी है मतलब आपकी। अच्छा दोस्तों, जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक भाई साहब बैठे और साथ में आंटी जी बैठी हुई हैं, स्वेटर, वो भी स्वेटर बुन रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये कल्चर तो देखने को नहीं मिलता, स्वेटर तो आजकल कोई बुनते ही नहीं, देखो जी। और यहाँ पर कितने प्यार से स्वेटर बुन रहे हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि काफ़ी मैं लेडीज़ को देखता हूँ, वो एक टाँका तक नहीं लगाती घर में, वो भी टेलर के पास ले जाओ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहते हैं, अब आजकल तो बच्चा लोग ऐसे है, हमें तो अब पहले को
पहले को जैसे अब करने तो सब नहीं करते हैं, सब करते थे करने था। हाँ जी, आजकल को बच्चा लोग ना सीटर पहनते हैं, हाँ ना बुनते हैं। हाँ, ना बुनते हैं। हाँ, आजकल तो कोट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, यही। हाँ जी, हम तो अब चलो, हम तो पहले कोई जमाना का है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये सब्जियां कहाँ की, घर की हैं आप लोगों की? दोस्तों, मैं भी अभी कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद के ले जाऊंगा। ये कौन से, उत्तराखंड के ये नींबू है क्या? ये उत्तराखंड के नींबू है कि? दोस्तों देखो, कितने बड़े बड़े नींबू। इसे नींबू बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग इसको? नींबू ही बोलते हैं। ये नींबू छोटे वाले भी है वहाँ। अच्छा, छोटे नींबू भी हैं? ये बड़े वाला है। अच्छा, ये छोटे नींबू, ये पीले अपने आप हो जाएंगे बाद में, छोटे वाले? ये पीले वाले, ये भी पीले होते हैं। ये अदरक कहाँ की है? ये घर की है। अच्छा, इसका क्या रेट है अदरक का? ये 200 रुपए किलो है। अच्छा, और ये नींबू क्या रेट है जी? नींबू 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो है। दोस्तों, इस दुकान में, छोटी सी दुकान है, इस साग का नाम बताइए आप मेरे को। कद्दू का मुंडा। कद्दू का मुंडा। अच्छा, ये नेपाली लोग काफी खाते हैं सब्जी को। ये कद्दू की बेल बोलते हैं। कद्दू की बेल, इसको कद्दू की बेल बोलते हैं। और इसकी सब्जी बनती है। अच्छा, इस सब्जी के अंदर इसके साथ कुछ मिलाते हो आप? इसके साथ नहीं, मैं ऐसे ही खाती हूं। रोटी के साथ खाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शांति थापा। शांति थापा जी, मजा आ गया आपसे बात करके। आपने क्या लगा रखा है यहाँ पर? कपड़े हैं हमारे। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर संडे के संडे आप लोग यहाँ आते हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और आप लोगों का एक ग्रुप बन गया है, मतलब हमारा समूह है ना, समूह यानी एक फूलों का गुलदस्ता तैयार हो गया आपका, और आप सब लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा, साथ में बिजनेस भी हो रहा है। हाँ जी, और आपका हौसला भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। दीदी नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप मुझे। पूनम शर्मा। पूनम शर्मा जी, आपने काफी कॉस्मेटिक लगा रखी है यहाँ पर, चूड़ियाँ, बिंदी और सब लेडीज सामान। ये मोबाइल किसका रखा हुआ है यहाँ पर? छोटा हुआ है ये? छोटा हुआ नहीं है, इसे कोई उठा के ले जाएगा, इसको आप रखिए। अच्छा, और क्या क्या बेचती हैं आप यहाँ पर? अभी तो मैं ये कॉस्मेटिक का ही सामान बेचती हूं। कैसा काम है यहाँ पर? ठीक है। हाँ। और आप भी संडे के संडे आती हैं यहाँ पर? जी। ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार। आप भी स्वेटर बुन रहे हैं? हाँ जी। उधर वो दीदी भी स्वेटर बुन रही हैं, हैं जी? अभी ये ना सर, हम यहाँ बैठे रहते हैं दिन भर। हाँ जी, काम भी हो रहा है अपना। हाँ जी, बुनाई भी हो रही है। अच्छा, ये मतलब कोई बनवाना चाहे उनके लिए बना देती हैं आप ऑर्डर में? यहाँ पर हमारे गाँव में बुनाई सेंटर है। अच्छा, तो हम इनके लिए बुनते हैं, ये बाहर जाता है। दोस्तों, इनके गांव में बुनाई सेंटर है, अगर कोई हाथ के स्वेटर बनवाना चाहे इन मैडम से मिल सकते हैं आप? हाँ जी, कोई अगर आपके से स्वेटर बनाना चाहेगा आप बना देंगे? हाँ जी बिल्कुल। और मैं इनका मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा। अच्छा, और क्या क्या बेच रहे हैं आप ये? हाँ सर, हमारे पास बच्चों के। अच्छा, ये क्राफ्ट का सामान है, मिरर है छोटे छोटे? हाँ जी। और ये, अच्छा, और क्या? टोटल वहाँ पे स्टेशनरी का सामान है सर बच्चों का ना। अच्छा अच्छा, थोड़ा खाने का, बच्चे जैसे थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं ना खाने की चीजों से। कैसा लगता है आपको बिजनेस करके यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ जी। आगे बढ़ने का, आगे धीरे धीरे छोटे से शुरुआत करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी। इधर एक दीदी और बैठी है सामने, नमस्कार। अरे, आप अपना शुभ नाम बताइए। नाम वर्षा। वर्षा जी, आज वाक्य में मैं आया हूँ, वर्षा ही हो रही है यहाँ पर, और मैं पूरा भीग चुका हूँ, है तो मैंने कहा चलो आपसे, आप भी रेड कलर की ऊन से स्वेटर बना रही हैं, ये किसके लिए बना रही हैं आप? ये ननंद के लिए। अच्छा, दो मतलब अपनी नंद को खुश कर रही हैं आप स्वेटर बना करके, हैं जी? और आपका क्या काम है? रेडीमेड का काम है आपका? कैसा लगता है आपको ये काम करके? अच्छा, दोस्तों ऐसी महिलाओं को मैं सलूट करता हूँ जो एक दूसरे के साथ कंधे से के साथ कंधा मिला करके पूरा ग्रुप इनका काम कर रहा है। अगर मेरा चैनल पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आए और इन बहनों का हौसला बढ़ाएं, और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टॉल, इधर से कैमरा घुमाइए, कितने अच्छे अच्छे स्टॉल लगा रखे हैं, सारा घुमाओ, धीरे धीरे दूर से दिखा दो, वहीं वहीं खड़े होकर दिखाइए आप, और उधर तक दिखाइए आप थोड़ा। मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा कि फालतू की बातें घरों में करना, रिश्तेदारियों के अंदर इधर की उधर करना, अरे छोड़ो सब चीज़ें, और आप अपनी छोटी सी दुकान लगाएं और इन बहनों से मिलें, और यहाँ पर आकर एक काउंटर लगाएं और इनका हौसला बढ़ाएं। आप लोग दोस्तों जो मेरा चैनल देख रहा है उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद बहनों। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।